अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डामर के रिलेटिव है। आज हम बात करेंगे डामर के हवाले से। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि आपने इतनी सारी वीडियोस बनाई मगर डामर के हवाले से कोई वीडियो अपलोड नहीं की। आज की हमारी टोटल वीडियो यही है डामर के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोड्यूस करवा दूँ। मेरा नाम अनीस हफीज़ है और आप देख रहे हैं नस मार्वल पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरा चैनल फेसबुक के अंदर देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक करना ही भूलिएगा। और आज की वीडियो बगैर स्किप करे देखिए। चलिए आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगे डामर आता किस फॉर्म के अंदर है। तो जी दोस्तों, आता डामर जो जिस फॉर्म के अंदर आता है ना, ये जो आता है ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर। और अगर हम बात कर लेते हैं लिक्विड फॉर्म के हवाले से, तो लिक्विड फॉर्म के अंदर जो आता है डामर, तो ये क्वार्टर मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। अगर हम मैं बात करूं सबसे पहले लिक्विड फॉर्म के अंदर, तो लिक्विड फॉर्म के अंदर कितने वेट आते हैं, कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, और ये तैयार डामर होता है। तो ये क्वार्टर मेरे हाथ के अंदर है, तो ये क्वार्टर के अंदर जो है ना, ये इसके अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इस तरीके से आप लगा सकते हैं, यानी कि आपने ये खोलना है और बआसानी ब्रश की मदद से आपने लगाना है। इसके अंदर जो वेट आता है, ये मेरे हाथ में 1 kg का क्वार्टर है। और अब बात कर लेते हैं इसकी बाल्टी की, ड्रम की। तो ये ड्रम आपको 10 kg का पड़ेगा, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर ये है कि आपने ये तैयार होता है बिल्कुल, यानी कि आपने किसी चीज़ की उच्चत नहीं करनी, यानी कि आप बआसानी इसको ब्रश की मदद से, वाइपर की मदद से आप लगा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसकी बाल्टी की, जो 16 kg की आती है, वो भी इसी तरीके की होती है। जी दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म की। तो ये डले वाला होता है, मगर इसका जो है ना एक गोला आता है, ये मैं आपको खुला दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा ये आती है कि हम गोले का करेंगे क्या, हमें तो 2 किलो, 5 किलो, 8 किलो का चाहिए। ये गोला जो होता है ये 20 kg का होता है, 19 kg, 20 kg का ये होता है। प्राइस की बात मैं इसकी एंड में करूँगा, लिक्विड फॉर्म की भी मैं प्राइस की बात एंड में करूँगा। वेट मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं कि ये किन किन जगहों पर इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें सबसे पहले ये डले वाले की, तो डले वाला जो है ये इसको लगाने का जो तरीक़ेकार होता है, ये सबसे पहले गर्म हुआ जाता है। गर्म आपने एक ऐसे करना है, एक कनस्तर यानी कि कोई बर्तन लोहे वाला होना चाहिए, उसके अंदर आपने नीचे आग जलानी है और चारों तरफ आपने ईंटें लगानी है। ये घर के चूल्हे पर नहीं होता ये गर्म। कहीं पता चले आपने ये घर के चूल्हे पर रख दिया, मगर ये घर के चूल्हे पर नहीं गर्म होगा, ये लकड़ियों से गर्म होता है। मट्टी के तेल से आग आपने जलानी है और चारों तरफ इसकी ईंटें लगेंगी, फिर ये आप गर्म कर सकते हैं। जब ये गर्म होगा तो एक लोहे की या लकड़ी की डंडी आपने हिलानी है, फिर इस पर मट्टी का तेल इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। अब हम बात कर लेते हैं लिक्विड फॉर्म की। तो लिक्विड फॉर्म के अंदर मट्टी का तेल इतना ज़रूरी नहीं है, यह आप बआसानी ये बिल्कुल तैयार है, उसको वाइपर या ब्रश की मदद से आप लगा सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे हमें ये किन किन जगहों में इस्तेमाल करना ज़रूरी है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमारे को डामर सिर्फ लीकेज के लिए हवाले से यूज़ करना है, मगर ऐसा हरगिज नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी लोहे की टंकी अगर घर में, वॉशरूम में, किचन में, जहाँ पे भी आपकी लोहे की टंकी अगर लगी हुई है, तो ये डले वाला जो डामर है ये लोहे के ऊपर भी काम करता है। ये कैसे करेगा, आपने ये गर्म करके बआसानी लगाना है। और दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर आपने, अगर आप वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, यानी कि कोई भी लोहे की चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी आप ये रगड़ाई करेंगे, खुद ही पिघल जाएगा। वो कैसे पिघलेगा, जब आप गर्म चीज़ के ऊपर ऐसे आप लगाएंगे ना, तो ये खुद ही अपना जगह बना लेता है। जी तो दोस्तों दोनों डामर की आपको मैंने वीडियो के अंदर सारी समझा दी है बातें। अब हम बात कर लेते हैं वेट के हवाले से। वेट भी मैं इसका बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर मैं आपके नाज़रीन को बता देता हूँ। इसका वेट जो आता है डले वाले का, वो आता है 20 kg। और अगर हम बात करेंगे तो ये 1 kg, 10 kg और 16 kg। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के हवाले से। तो इसके प्राइस आपको पड़ेंगे, ये वाला जो 20 kg का गोला पड़ेगा डले वाला, ये आपको पड़ेगा 3,300 रुपये का। और अगर आप मेरे से परचेज करेंगे खुला, यानी कि 2-3 किलो, तो वही 250 रुपये kg पड़ता है। और अगर हम बात करें इसकी लिक्विड फॉर्म की, तो लिक्विड फॉर्म का ये क्वार्टर आपको पड़ेगा 450 रुपये का। इसके अंदर अगर 10 kg का अगर आप लेते हैं, तो ये आपको पड़ेगा 1650 रुपये का। इसी में आप 16 kg का लेंगे तो वो पड़ेगा 2850 रुपये। अगर आप इससे लोकल कंपनियों वाले लेंगे तो उनके प्राइस कम होते हैं, उनके वजन में फ़र्क होता है, मगर डामर में शिकायत होती है। तो जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की मुकम्मल वीडियो डामर के हवाले से। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो नई नई बनाता रहूँगा। अगर ये आप मुझसे परचेस करना चाहते हैं, तो मैंने अपना नंबर नीचे दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह मेहरबान।